हाँ जी बच्चों, क्या हाल बेटे? यस बेटा, आई होप आप सब की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। आप सभी जो चैप्टर्स रिमेनिंग आपके रह गए थे वो कर चुके हैं और सैंपल पेपर सब कर रहे हैं, ओके। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लास्ट थ्री क्लासेस से आपसे बेटा सीबीएसई सैंपल पेपर ही डिस्कस कर रही हूँ, राइट। आज इसका फोर्थ पार्ट, दैट मीन्स पेपर का सेक्शन फोर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पार्ट बी में है जो सेक्शन फोर, सेवन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सेवन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बेटा एक बार पेपर पैटर्न में देखें तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहने वाले हैं, जो सेवन आएंगे। इंटरनल चॉइसेस हैं बेशक, ओके। इसकी टोटल वेट इज 21, दैट मीन्स 21 मार्क्स का पोर्शन हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं बेटा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। यस, रिलेशन जेड पर कैसे डिफाइंड है? ए बी रिलेटेड है इफ देयर सम इज डिविजिबल बाय 2, राइट। दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये आपको चेक करने को कहा है। दैट मीन्स अल्टीमेटली इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने को कहा है। राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। इक्विवेलेंस क्लास पूछा है कंटेनिंग 0 या ऑफ 0 बेटा, लेकिन ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कब एग्जिस्ट करती है? जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दैट मीन्स कि जब तीनों होंगे तब इक्विवेलेंस क्लास को आप सोचेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो आप डायरेक्टली लिख देंगे इक्विवेलेंस क्लास कांट एग्जिस्ट, ओके। नंबर वन। सेकेंड बेटा, इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही ये रह गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन ये रह गया आपका। क्योंकि वन वन ऑन टू तो बेटा इनवर्स के साथ लॉन्ग में पूछे जाते थे और इनवर्स एस सच है नहीं इस बार, तो वन वन ऑन टू एक्सपेक्टेड है, वन और टू में ही पूछ लिए जाएंगे, जैसे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर भी चुके हैं इसके, ठीक है। स्टिल आपका वन वन ऑन टू मिला के आपसे 3 मार्क्स में भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है, इतना ट्विस्ट चेंज हो सकता है, ठीक है। आप हमेशा पेपर पैटर्न सैंपल पेपर को ही फिक्स ये नहीं मान सकते कि ऐसे ही आने हैं, दैट इज जस्ट योर प्रैक्टिस। हाँ, 3 आवर्स की आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है, ओके। चलिए, एनीवे हम मान के चले यही लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, हम इसको स्टार्ट करें। हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है बेटा। ये देखो टॉपिक बिल्कुल आपको पता है, सिंपल है, एक पैटर्न चलता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आंसर के लिखने की वैरायटी है, आंसर का लिखने का पैटर्न एक है, बट स्टिल बहुत हैरानी है कि इससे घबराते हैं अभी भी बच्चे और इसको नहीं अटेम्प्ट करते, या फिर लिखते हैं तो वो प्रॉपरली नहीं लिख पाते। बेटा इसको प्रॉपरली लिखने के लिए आप छोटी छोटी चीजें जो मैं बताऊंगी वो जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या किया हुआ है, आर डिफाइन किया है जेड पर। आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना होता है, आर रिलेशन है और जेड सेट है, तो आर में जो हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो एलिमेंट्स जेड सेट से आ रहे हैं, Z सेट से आ रहे हैं। कई बार क्या होता है बेटा, यहाँ तो Z है, कई बार ये खुद आपका कार्टिजन प्रोडक्ट होता है सेट, तब आपका एक्चुअली जिन पर रिलेशन डिफाइंड है वो एलिमेंट्स भी खुद ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, है ना, और तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने में। वो मैंने आपसे डिस्कस किया भी था क्वेश्चन जो पीरियोडिक में दिया था, स्टिल फिर भी बात करेंगे इनकी और जो सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मैं देखूं, आर ऑन जेड डिफाइंड है बेटा, तो आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि ये ए बी कहाँ से आ रहे हैं, जेड से। हमने ए बी सी भी पढ़ना होता है, हमने कुछ में ट्रांजिटिव में हमने सी भी पढ़ना है, तो वो सभी एलिमेंट जेड से लेने हैं, जेड से, ठीक है। उनमें रिलेशन ऐसे डिफाइंड है कि जब ए प्लस बी डिविजिबल होगा 2 से तभी ये ऑर्डर्ड पेयर आर में है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। नंबर वन, बेसिक सेट और उसके एलिमेंट्स आपने क्लियर रखने हैं। अब आ जाते हैं हम वन बाय वन प्रूव करने में। रिफ्लेक्सिव क्या है? एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तो दैट मीन्स आपने बेसिक सेट से सिंगल एलिमेंट लेना है,
दिस इज द सेकेंड पॉइंट. ये सबसे बड़ी गलती होती है. ए बी सी सब लिखते जाते हैं बट वो एलिमेंट्स कहाँ से हैं, बेसिक चीज ही नहीं लिखते. ए जेड में से है, ए जेड में से लिया आपने. अब आप बात करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि क्या ए ए से रिलेटेड है, दैट मीन्स ए प्लस ए चेक करना चाहते हो. अब ए प्लस ए सीधा कंसीडर कर लो. ए प्लस ए आपने कंसीडर किया, दैट इज नथिंग बट टू ए. ये क्या हो गया बेटे, 2a आ गया. ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया 2 से. 2 का मल्टीपल है क्लियर कट. और हम यही देखना चाहते थे, दो एलिमेंट्स का सम अगर 2 से डिविजिबल आता है तो वो दो एलिमेंट रिलेटेड है r से, राइट. अब a का a से ही सम लिया, वो डिविजिबल है 2 से, तो दैट मीन्स a a से रिलेटेड है बाय द रिलेशन r, राइट और रॉन्ग, राइट. तो बस ये फ्लो आपने ध्यान रखना है बेटे. बेसिक सेट जिट पर रिलेशन डिफाइंड है, वहां का एलिमेंट लिया आपने. जब रिफ्लेक्सिव देखना है तो दैट मीन्स एलिमेंट खुद से रिलेटेड देखना है. ए ए बिलोंग्स टू आर, ये थियोरेटिकल भी ध्यान रखिए और बिल्कुल प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं उसको भी ध्यान रखिए बेटा. ए खुद से रिलेटेड देखना है, मतलब ये सम के लिए दोनों सेम होने चाहिए. ए प्लस ए लाइक टर्म्स है, एड हुई 2a, फिर 2 मल्टीपल आ गया, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 2, और यही चाहिए था आपको, दैट मीन्स ए ए बिलोंग्स टू आर है, ओके. और ये आपने एक जनरल एलिमेंट लिया था बेटे, अब आप जनरलाइज कर दीजिए. यस ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड. हमने ये सिंगल एलिमेंट लिया था. आपको लिखने में वैसे ही थोड़ा सा गलत लिख देते हो इसलिए हम लिखवाते नहीं है, अदरवाइज वी शुड राइट बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट. ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहे हैं हम जेड का, और सभी के लिए हो गया, सभी के लिए ट्रू होगा, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, ओके. आर इज रिफ्लेक्सिव, ओके. चलिए सेकेंड हमने देखना है बेटा सिमेट्रिक. और सिमेट्रिक में हम क्या कहते हैं, अगर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा भी पहले से रिलेटेड होना चाहिए. बट इफ पार्ट हमने खुद एज्यूम करना है. इफ क्या है, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाय आर, बट ए बी खुद कहां है, ए बी खुद कहां है बेटा, Z में. तो हम A B पहले एलिमेंट लेते हैं, इफ कंडीशन हम खुद एज्यूम करते हैं A B हमने एलिमेंट लेने हैं, ठीक है. ये ब्रैकेट नहीं, अभी हम उसके बाद लिखेंगे सर Z. A B हमने Z में लेने हैं. लेट A B बिलोंग्स टू Z, कैसे, सच दैट A B ordered pair belongs to R. अब A B belongs to R ले रहे हैं बेटा, that means A B कब belongs कर रहा है R को, A B कब belong करेगा R को, that means A plus B is divisible by 2. ठीक है, आप इन सब को अपने मैथमेटिकल सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल. A plus B बेटा दो इंटीजर ही है और इंटीजर्स का सम कॉमिटेटिव होता है, दैट मीन्स बी प्लस ए इज डिविजिबल बाय 2, राइट. लिख सकते हैं ना हम बी प्लस ए इज डिविजिबल बाय 2, ओके. और बी प्लस ए डिविजिबल हो गया बाय 2 बेटा, दैट मीन्स बी ए बिलोंग कर गया आर को, राइट. अब गौर से देख लीजिए बेटा, इफ पार्ट हमने एज्यूम किया था. इफ पार्ट क्या कहता है, ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड. दो एलिमेंट्स बेसिक सेट में ऐसे हैं कि फर्स्ट सेकेंड से रिलेटेड है, ओके. जब फर्स्ट सेकेंड से रिलेटेड है तो हमने उसकी डेफिनेशन यूज की. डेफिनेशन कहती थी ए प्लस बी डिविजिबल है 2 से. अब हमने नंबर्स की बेसिक नॉलेज यूज की, ए प्लस बी, बी प्लस ए होता है फॉर एनी 2 इंटीजर्स, राइट. सम कॉमिटेटिव होता है इंटीजर्स का, दैट मीन्स यहीं से हम कह सकते हैं बी प्लस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ओके. दैट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यही तो एक कंडीशन देखनी है सिर्फ, बी ए बिलोंग्स टू आर. इफ पार्ट हमने एज्यूम किया था, देन पार्ट आ गया. ए बी बिलोंग्स टू जेड हमने ऐसे एज्यूम किए थे कि ए रिलेटेड टू बी,
और बी रिलेटिव टू ए हमारे पास आ गया, दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ओके ओके, रिफ्लेक्सिव में जब हम सिर्फ एक एलिमेंट लेते हैं और उसकी डिफरेंट कंडीशन सोचते हैं, सिमेट्रिक में हम एलिमेंट ऐसे लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है और सेकंड वन से रिलेटेड शो कर देते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं बेटे, कितने एलिमेंट्स लेते हैं बेसिक सेट से, थ्री। थ्री कैसे लेंगे, थ्री एलिमेंट्स लेने हैं हमने, कैसे लेंगे कि फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड थर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है और सेकंड थर्ड से रिलेटेड है, दैट मीन्स बी सी बिलोंग्स टू आर है। ओके, फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड है, सेकंड रिलेटेड टू थर्ड है, ये हम ले रहे हैं। ठीक है, इफ पार्ट है ये, देन हमने शो करना है, देन शो करना है बेटा, करना इसी को यूज करके है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय टू, बी सी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स बी प्लस सी इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है, ए प्लस बी, बी प्लस सी डिविजिबल आ गया टू से, लेकिन हमने दिखाना क्या है बेटा, दिखाना क्या है, फर्स्ट इज रिलेटेड टू थर्ड, फर्स्ट इज रिलेटेड टू थर्ड। आपको बिल्कुल कहा था, एक एग्जाम्पल सिंपली बोला था बेटे, फर्स्ट ने, फर्स्ट पर्सन ने सेकेंड का हाथ पकड़ा हुआ है, सेकेंड ने थर्ड का हाथ पकड़ा हुआ है, तो मस्ट है फर्स्ट ने भी थर्ड का हाथ पकड़ा हो। ठीक है, आपको टर्मिनोलॉजीज कुछ ना कुछ ऐसे बनानी होती है कि आप ध्यान रख पाए, फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड हो, फर्स्ट थर्ड का हाथ पकड़ा हो, तभी ट्रांजिटिव होगा, तभी ट्रांजिटिव होगा। हाथ क्या पकड़ा, कैसे हुआ, उसकी कंडीशन जो है उसको यूज करना हमने। ओके, तो हम कंडीशन लिखे, अब ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स ए प्लस बी एंड बी प्लस सी बोथ आर डिविजिबल बाय टू। अब डिविजिबल बाय टू बेटा वही कह रही हूं, आप सिंबल में भी बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली बच्चे लैंग्वेज ही लिखते हैं, तो मैं एक बार आपको ये बता रही हूं, बिल्कुल आप इसमें गलती ना करें। अदरवाइज डिविजिबल बाय टू को आप टू का मल्टीपल लिख सकते हैं, बिल्कुल टू का मल्टीपल लिख सकते हैं, दैट मीन्स उसी को यूज करेंगे बेटा अभी, दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू टू एम, बी प्लस सी इज इक्वल टू टू एन, वेयर एम एन आर इंटीजर्स, एम एन आर इंटीजर्स। ठीक है, प्लस का नंबर हो सकता है तो नेगेटिव का भी हो सकता है ना, टू से डिविजिबल। अब यहां पर जब बेटा जनरली ऐसे रिलेशन आ जाता है, ए प्लस बी ये है, बी प्लस सी ये है, या ए माइनस बी, बी माइनस सी आ जाता है, तो मोस्टली आप इनको एड करते हैं, एड करते हैं। आप सिंपली एड जब करेंगे तो देखिए, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू एम प्लस टू एन आ गया। ठीक है, टू एम प्लस टू एन आ गया। हाँ, यहां पर क्या है, बी ट्वाइस हो गया बेटे, हमें तो ए प्लस सी चाहिए। ये ट्वाइस बी को हम राइट में ले जा सकते हैं, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है बेटे, बस वो भी सिंपल होती है। ठीक है, और इसको हम बिल्कुल टू कॉमन लेकर लिख सकते हैं बेटा, आप ध्यान दो तो m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है, लिख सकते हैं ना हम ऐसे टू कॉमन लेके। और जब तीनों इंटीजर हैं और इंटीजर्स का सम भी इंटीजर होता है, डिफरेंस भी इंटीजर होता है, तो क्या ये जो मैंने k नंबर लिया ये इंटीजर होगा या नहीं होगा, होगा ना, इंटीजर होगा, दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर होता है और दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर होता है, ये इंटीजर होगा, दैट मीन्स टू टाइम्स सम इंटीजर हो गया, राइट, दैट मीन्स ए प्लस सी इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है, ए प्लस सी डिविजिबल बाय टू आ गया है, इनफैक्ट आप ये स्टार्टिंग से इस फॉर्म में लिख देते हैं टू के टू मल्टीपल, तो आप यही यहीं पर स्टॉप भी कर सकते हैं टू के पर ही। ओके, बट अब आ गया ए प्लस सी डिविजिबल बाय टू, दैट मीन्स फर्स्ट इज रिलेटेड टू थर्ड आ गया। इफ लेके चले थे हम, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, और हमारे पास ए रिलेटेड टू सी आ गया, फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड आ गया, दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव।
राइट बेटा, राइट, आई होप क्लियर है। ठीक है, आप जो बेसिक सेट्स के एलिमेंट है ना वो लिखना भूल जाते हैं और मेन मेन कैलकुलेशन कर देते हैं, स्टेप्स भूल जाते हैं। ओके चलिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, दैट मींस आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। दो यहां पर आपको कहा नहीं बेटे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने को, बट इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है हमें, तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन तो इसको दिखाना है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो या ऑफ जीरो इज सेम थिंग, दिस इज नथिंग बट स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो या ब्रेसिस में बार लगा के भी लिखते हैं बेटा, दोनों नोटेशन बताई थी आपको। दिस ये क्या होगा बेटे, ये क्या होगा, आपको डेफिनेशन रिकॉल कराऊं तो, सेट ऑफ ऑल दोज ए वेयर ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए इज रिलेटेड टू जीरो। ओके, दैट मीन्स जीरो से रिलेटेड सभी नंबर। तो कैसे नंबर होंगे ये, जीरो प्लस ए डिविजिबल होना चाहिए बेटा टू से। मैं आपको थॉट प्रोसेस पूरी कर देती हूँ, बट ये जरूरी नहीं है बेटा सब लिखना, आप सीधा आंसर दे सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दैट मीन्स ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड एंड जीरो प्लस ए इज टू के, मल्टीपल होना चाहिए टू का, टू का मल्टीपल होना चाहिए। तो सिंपली आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए हैं, जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स इस टाइप के नंबर्स होंगे। ठीक है, इस टाइप के नंबर्स होंगे। ये पोर्शन बेटा हाफ मार्क्स का, वन मार्क्स का, यहाँ पर थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये हाफ मार्क्स का है सिर्फ। इस पे ये सब टाइम नहीं लगाना, आपको अंडरस्टैंडिंग दिया, आपको रिकॉल कराया है सिर्फ कि क्या मीनिंग होता है, क्या थॉट प्रोसेस होती है। आप ये आंसर लिखेंगे सिर्फ, सिर्फ ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, इतनी थॉट प्रोसेस बढ़ाइए, आप यहीं अभी सैंपल पेपर से ही प्रैक्टिस करिए इतनी बेटा, आपको पूरा असाइनमेंट भी दिया हुआ है इसका मैंने। ठीक है बिल्कुल, और असाइनमेंट में तो पिछले 10-12 साल के सभी क्वेश्चंस कवर्ड हैं बेटा इसके। ठीक है, जो बच्चे कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, आप भी करिए बिल्कुल, और आप पूछ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स होल पावर एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आई होप बेटा पावर में फंक्शंस देख के आपको बिल्कुल फटाफट रिकॉल हो जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है, राइट हो जाता है, बट वो जितनी जल्दी रिकॉल होता है ना बेटा आपको, ये उतनी ही जल्दी भूल जाता है कि लॉगरिदम ऑफ सम कोई रिजल्ट नहीं है हमारे पास, लॉगरिदम ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। प्लीज ये प्रैक्टिस से बता रही हूं, अभी भी बता रही हूं बार बार, बिल्कुल केयरफुल हुआ करो, ये नहीं लग सकता, यहाँ लॉगरिदम आप सीधा नहीं ले सकते। आप क्या करते हैं हमेशा ऐसे, आप ऐसे फंक्शंस को दोनों को सेपरेटली अलग अलग फंक्शन एज्यूम करते हैं, आपको सम फॉर्म में दिया हुआ है सम ऑफ टू फंक्शंस, तो आप इसको u प्लस वी एज्यूम करते हैं, फर्स्ट इज u सेकेंड इज v, राइट। अब यहां पर u और v को सेपरेटली आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं बिल्कुल, बट इसको देखो अगर बेटा ये क्या है e पावर समथिंग, e पावर समथिंग, और लॉगरिथमिक वाला फंक्शन आप में से बहुत से बच्चे खुद ही पहले ई में चेंज करके करते हैं, ई में चेंज करके करते हैं, तो यहाँ पर लॉगरिदम लेने की तो सेंस ही नहीं है बेटा, यहाँ लॉगरिदम लेने की सेंस ही नहीं है, यहाँ ई से ही करिए, ई से ही करिए, करते हैं वन बाय वन साथ के साथ। ठीक है, यू इज ई एक्स साइन स्क्वेयर एक्स, ई से कैसे करना है बेटे, डी यू बाई डी एक्स क्या होगा डायरेक्टली, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, बट यहां एक्स की जगह एक्स साइन स्क्वेयर एक्स है,
ठीक है, ई पावर एक्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है, बट यहाँ एक्स नहीं है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। तो क्या कहता है चेन रूल, हमने इसका डेरिवेटिव अब मल्टीप्लाई करना है, इसका डेरिवेटिव अब हमने मल्टीप्लाई करना है, इसका डेरिवेटिव करिए और मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं ये एज सच। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल एक्स एज सच, साइन स्क्वायर का एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए चेन रूल, चेन रूल, राइट। वन बाय वन पीसफुली चलिए, कहीं भी गलती नहीं करनी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स, ओके, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन स्क्वायर एक्स एज सच। प्रोडक्ट रूल यूज किया हमने, ठीक है। प्रोडक्ट में भी चेन देख रहे हैं क्या फ्लो बना है, पहले चेन फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी चेन, ओके। अब इसको आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, व्हाट इज डी यू बाय डी एक्स। टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है बेटा, साइन टू एक्स, राइट। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के आप सिंपल फॉर्मूले भी बिल्कुल साथ के साथ यूज करिए, साइन टू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया डी यू बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स, ओके। अब देखो अगर इसे आप लॉग लेते तो क्या करते, लॉग यू का डेरिवेटिव, फिर इसको यहां अरेंज करते, तो इट्स बेटर ई फॉर्म में ही लिया आपने, ठीक है, हो सकता है ना, बिल्कुल चेन रूल से ये हो गया, हमने सामने किया है आपके। तो यहां बेवजह लॉगरिदम मत लगाइए, मत लगाइए। वी अब जब करेंगे, वी में हमें बिल्कुल लॉगरिदम लगाना है, वी इज नथिंग बट साइन एक्स पावर एक्स, इस पर लॉग लगाइए, लॉग लगाएंगे जब, हमें क्या मिलने वाला है बेटा, लेफ्ट में लॉग वी, राइट में लॉग ऑफ साइन एक्स पावर एक्स, ओके, साइन एक्स पावर एक्स। और यहां हम लॉगरिदम का रिजल्ट यूज करते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट, पावर हमारी आगे आ जाती है, ठीक है। दैट मीन्स लॉग वी इज इक्वल टू दिस। बेटा यहां एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, जस्ट सी व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, यस, इज इट राइट बेटा, इज इट राइट, क्या गलती है यहां पर, क्या गलती है, यहां हमने डेरिवेटिव नहीं किया बट लेफ्ट साइड में कर दिया, बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, आप ध्यान रखिए बेटा, जब डेरिवेटिव करना है आपने पूरे एक्सप्रेशन का ही करना है, पूरे एक्सप्रेशन का एक साथ डेरिवेटिव करिए, ओके, दिस विल बी लॉग वी इज इक्वल टू दिस, डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा बेटे, लेफ्ट में चेन रूल यूज हुआ, वन अपॉन वी डी वी ओवर डी एक्स, जो भी लॉगरिदम कर चुके हैं उन्हें हैबिट है इसकी, ठीक है, बस जो मिस्टेक कर सकते हैं करते हैं वो मैंने आपको बता दी। यहां एक्स इंटू लॉग साइन एक्स बेटा, अगेन प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, एक्स एस सच ले लू, लॉग साइन एक्स में क्या यूज होना है बेटा, चेन रूल, राइट, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और यहां पर है साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ओके। आई होप अब तक आपको बिल्कुल ये फ्लो में प्रैक्टिस हो गई है बेटे, वन बाय वन डेरिवेटिव नहीं लिखते आप, ठीक है, आपको इतने ही स्पीड से करना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, हाँ, जिसको बिल्कुल आदत नहीं हुई करिए वन बाय वन, बट इट्स बेटर टू डू लाइक दिस, यस। एक्स का डेरिवेटिव ऑफ बेटा 1 और log sin x as such, ओके। अब आप dv over dx लिख रहे हैं, v को आप राइट में ले आएंगे, और ये जो ब्रैकेट में आया ये आ गया बेटे x cos x upon sin x, that means cot x plus log sin x, log sin x,
वी को वापस पुट कर दीजिए बेटा, वी क्या आया हमारा, वी हमारा था साइन एक्स पावर एक्स। यूवी हमने एज्यूम किया बेटा, हमने एज्यूम किया है, हम यूवी में कभी आंसर नहीं छोड़ेंगे। जिस क्वेश्चंस में भी हम अपनी एजम्पशंस करते हैं वेरिएबल की, आंसर में हम उन्हें बैक पुट जरूर करें, ठीक है, बैक पुट जरूर करें। तो इसको अब आपको पता है वाई यू प्लस वी था, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, उसमें पुट करते हैं, ठीक है। पुट किए बगैर छोड़ना नहीं है बेटा बिल्कुल भी, वो गलती नहीं करनी, पुट किए बगैर छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पुट करना है। आपका 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स का पोर्शन होता था ये, तो बेटा अभी भी 0.5 मार्क्स का जरूर रहेगा, ठीक है। वाई इज यू प्लस वी, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, ओके। दैट मीन्स क्या हो गया, डी यू बाय डी एक्स हमारा क्या था बेटे, ई एक्स साइन स्क्वेयर एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई था एक्स साइन 2x प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, और डीवी बाय डी एक्स क्या था बेटे, साइन एक्स होल पावर एक्स एक्स कॉट एक्स प्लस लॉ साइन एक्स, ओके। सो दिस इज द आंसर। अगर ये ऑड लग रहा है बिल्कुल आप इसको भी प्रॉपर लिख दीजिए, ओके। कई बार तो क्वेश्चन में बाय दिया भी नहीं होता, आपको खुद एज्यूम करना होता है, आपको यही दिया होता है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही सब चीजें कहती हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू द स्क्वेयर ब्रैकेट एक्स वेयर जीरो लेस देन एक्स लेस देन टू इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है बेटा, दैट मीन्स डेफिनेशन दिखानी है, डेफिनेशन दिखानी है हमें इसकी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। और डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, डेफिनेशन क्या कहती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तब डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर जब आपने लेफ्ट और डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव निकालना है, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन यूज करनी है। इसका अगर बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका बेटे, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या होगा, एल एच डी अभी हम लिखते हैं बेटे, और नोटेशन आपको रिकॉल करा दूं तो एल एफ डैश वन, वन पे निकालना है ना हमने, ये भी नोटेशन है इसकी। और कैसे निकालते थे आप, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, ओके। ये माइनस एच भूल जाते हैं बेटे बहुत बार कुछ, ठीक है। सो बी केयरफुल, ये माइनस एच है एंड दिस इज व्हाट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच बेटा, दैट मीन्स दिस दिस, आपको याद दिलाऊं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अपने आप वर्ड डिफाइन कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस, जिस भी एक वैल्यू पे निकाल रहे हैं, तो इंटीजर पे वो इंटीजर ही आती थी, राइट। और अगर आपका किसी इंटीजर से थोड़ा भी कम है, तो उसके प्रीवियस, उसका प्रीसीडिंग इंटीजर वन माइनस एच है, एच नेग्लिजिबल हो लेकिन कम तो है ना, है तो सही ना, वैल्यू वन से कम हो गया ना, वन माइनस एच, तो ये क्या हो गया, जीरो जीरो, और वन पर वैल्यू वन है, ये माइनस एच, ओके, क्लियर। आई होप इट इज क्लियर बेटा, हमेशा ये वर्ड इटसेल्फ याद रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, साथ में वन माइनस एच, क्योंकि खुद इंटीजर नहीं है तो इससे लेस बात होगी, अगर इंटीजर है तो वही बात होगी, वन पर वन ही है बट वन माइनस एच खुद इंटीजर नहीं है, तो वन से पहले वाला इंटीजर जीरो,
ठीक है, जीरो। ये हो गया बेटे आपका नेगेटिव वन डिवाइडेड बाय नेगेटिव एच, दैट मीन्स वन बाय एच। और आप देखो तो दिस इज नॉट डिफाइंड, वन डिवाइडेड बाय जीरो नॉट डिफाइंड, जिसको आप कन्वीनियंस से आपको बताया हुआ है इन्फिनिटी भी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। चलिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें बेटा इसका। राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको आप आर एफ डैश वन भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों में से लिखनी पेपर में आपने एक ही है, आपको जस्ट क्योंकि ये सैंपल पेपर तो रिकॉल करा रही हूं बेटा, ठीक है, आपने लिखनी एक ही है। दिस इज व्हाट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए प्लस एच, माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, कंटिन्यूटी। और इससे बेटा ये आप थोड़ा सा ध्यान रखते थे, लेफ्ट में माइनस एच से डिविजिबल और राइट में प्लस एच से डिविजिबल। और अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, अब ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एट वन, वन पे तो वन आ गया, इंटीजर पे इंटीजर है, और वन प्लस एच कैसा नंबर है बेटा, वन से बड़ा, वन से बड़ा, तो इस पर भी वन ही आएगी, एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, वन से बड़ी वैल्यू है, तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू वन प्लस एच, वन प्लस एच से छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, दैट विल बी वन, माइनस वन डिवाइडेड बाय एच। सो ये हो गया बेटे आपका जीरो डिवाइडेड बाय एच, बिकॉज एच इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, सो दिस इज एक्चुअली जीरो जीरो, ठीक है, तो लेफ्ट डेरिवेटिव आ गया इंफिनिटी, राइट डेरिवेटिव आ गया जीरो, क्लियर कट, दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट वन, ओके, अगर ये दोनों इक्वल आते तो डिफरेंशिएबल होता, बट अभी इक्वल नहीं आए, ठीक है, क्लियर। हमने ये वैसे भी प्रैक्टिस में भी किए थे बेटे, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। चलिए तो ये भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन था बेटे, पिछला भी डेरिवेटिव का था, दो क्वेश्चन डेरिवेटिव के थ्री थ्री मार्क्स के, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये भी डेरिवेटिव, जस्ट सी थ्री मार्क्स में डेरिवेटिव के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये ऑप्शन में है, पिछले के ऑप्शन में है बेटा, ठीक है, चॉइस है। इफ एक्स इज ए sec थीटा, वाई इज बी tan थीटा, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड, जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूं मैं पॉइंट, वो देखिए मुझे मिल रहे हैं सभी सैंपल पेपर में। सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म का 99% बच्चे गलत करते हैं बेटा, गलत करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर रख लीजिए। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म है, आई थिंक dy by dx बिल्कुल सिंपली आप निकाल सकते हैं, dy by dx हम निकाल लें पहले, फिर हम बात करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या गलती करते हैं। y is equal to b tan theta, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx by d theta is, yes, sec theta का डेरिवेटिव, yes, प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करना बेटे यहां पर, सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करना, ठीक है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, sec theta का डेरिवेटिव लेना है सिर्फ, tan theta का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, a इंटू sec theta का डेरिवेटिव, sec theta tan theta, राइट। अब y का भी ले लें, dy by d theta, That is nothing but b sec square theta, ठीक है, b constant है, ये बहुत, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है बेटा, 50% बच्चे तो जो नहीं पढ़ते पूरा कॉन्फिडेंटली, लास्ट डेज में पढ़ते हैं वो ये मिस्टेक जरूर करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करने लग जाते हैं यहाँ पर, सो बी केयरफुल, प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करना। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, dy by dx जब आप निकालेंगे, you already know that will be dy by d theta divided by dx by d theta, okay, this is b sec square theta
डिवाइडेड बाय ए सेक थीटा टेन थीटा। इतनी प्रैक्टिस आई एम होपिंग बेटा सबको होती है। ये सेक थीटा हम कैंसिल कर देते हैं अज्यूमिंग दिस इज नॉट जीरो। बी अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा थोड़ा सा और लगता है डिवीजन में, हम इनको चेंज करके देख लें बेटा अगर हम सिंगल में चेंज कर पाए। सेक थीटा को कैसे लिखेंगे, वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और क्योंकि ये खुद डेनोमिनेटर में है तो ये हो जाने वाला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। cos theta also cancel, this will remain as b upon a cosec theta, right? cosec theta, 1 upon sin theta is nothing but cosec theta, okay? dy by dx आ गया ये। अब क्या करते हैं मोस्टली बच्चे बेटा, देखिए क्या करते हैं जो मिस्टेक करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी थीटा स्क्वायर कैलकुलेट किया, डी स्क्वायर एक्स बाय डी थीटा स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के लिए इसको इससे डिवाइड कर दिया। इज इट राइट बेटा, इज इट राइट, जस्ट सी द नोटेशन, इज इट राइट? नो, नॉट एट ऑल। सेकेंड डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जिसका इटसेल्फ मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा थीटा का फंक्शन आया है, तो यहां पर हम उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले थीटा से डिफरेंशिएट करते हैं, फिर थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे। ये जो करते हैं बच्चे बेटा ये करके, दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग। इसको यूज करना हमने, और इसमें भी आपने ध्यान रखना बेटे, डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल चुके हो, इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव आप डायरेक्टली ले सकते हो। डी थीटा बाय डी एक्स के लिए आपने अलग से कुछ नहीं लेना, आपने जो डी एक्स बाय डी थीटा कैलकुलेट किया हुआ है उसी का रेसिप्रोकल लेना, रेसिप्रोकल लेना, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसमें पाई बाय सिक्स पुट करेंगे, ओके। डी वाई बाई डी एक्स आया हमारा बी बाय ए कॉसेक थीटा। चलिए कैलकुलेट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आया है बेटे हमारा बी बाय ए कॉसेक थीटा। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन डी वाई बाई डी एक्स, विच इज अल्टीमेटली डी बाय डी थीटा ऑफ बी अपॉन ए कॉसेक थीटा, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन आया है, इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। क्या यूज किया है बेटा हमने यहाँ पर, क्या यूज किया है, ये हमने चेन रूल, ये हमने चेन रूल यूज किया है। ये खुद थीटा का फंक्शन है तो उसे पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, फिर थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ओके। अब यहां भी क्या होने वाला बेटे, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, b कांस्टेंट a कांस्टेंट, तो अंडरस्टूड है b अपॉन a इज कांस्टेंट। cosec थीटा का डेरिवेटिव माइनस cosec थीटा cot थीटा, ओके, cot थीटा। और d थीटा बाय dx क्या आया था बेटे, dx बाय d थीटा, उसका हमने रेसिप्रोकल लेना है, दैट वाज a sec थीटा tan थीटा, ठीक है। x हमारा a sec थीटा, इसका डेरिवेटिव a sec थीटा tan थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल लेना हमने, ओके। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, कांस्टेंट हम लिख लें पहले, नेगेटिव हम लिख लें पहले। अब देखो cos है cot sec tan करने को पुट कर सकते हैं, इतनी वैल्यू निकालेंगे आप, अगर चाहे तो बिल्कुल इसको सिंपल में देख लीजिए बेटे, कट के क्या आता है 1 upon sin थीटा, या फिर देखिए ये cot थीटा sec थीटा को भी हम चेंज करते हैं, tan थीटा भी cot थीटा में, देखिए इजिली cot में ही चेंज हो जाएगा। 1 upon sec थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, 1 upon tan थीटा इज नथिंग बट cot थीटा। देखिए cot थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cot थीटा, और ये भी cot थीटा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, माइनस b upon a square cot थीटा। ये आपकी मेंटल कैलकुलेशन है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां से ये लिख सकते थे, cot सॉरी cot क्यूब थीटा, ठीक है, cot क्यूब थीटा, ओके।
तो जब आपने डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर एट पाई बाय सिक्स कैलकुलेट करना है, तो अब आपके पास सिंगल जगह आ गया जहां आपने पाई बाय सिक्स वैल्यू, सॉरी कॉट पाई बाय सिक्स वैल्यू रखनी है, ठीक है। और कॉट पाई बाय सिक्स क्या होता है बेटा? कॉट पाई बाय सिक्स इज नथिंग बट रूट थ्री, रूट थ्री क्यूब, दैट मीन्स थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री। यस आई एम डूइंग दिस मिस्टेक, ए स्क्वेयर है बेटा ये, ठीक है, बी केयरफुल। यही यही जल्दी की मिस्टेक होती है बेटे, इसलिए बिल्कुल देखो, आई एम ऑल्सो कमिटिंग ए मिस्टेक बिकॉज ऑफ हरी, ठीक है। तो 10-15 मिनट लास्ट के इसलिए कहते हैं रिवीजन जरूर करो। कई बार क्या, मोस्टली देखते हैं हम बच्चे, अब वो रिवीजन की बच्चों को वैल्यू नहीं लगती बेटा बिल्कुल भी, लगता है हो गया बस जल्दी से निकलो। जब बेटा पूरे साल मेहनत की है, पूरे साल मेहनत की है, तो 10-15 मिनट और सही आपके बेटरमेंट के लिए। और आप यकीन मानो, जब जब आपने रिवाइज करा होगा, आपने खुद अपनी मिस्टेक्स देख ली होंगी, करेक्ट कर ली होगी। अब वो बस अच्छे पॉइंट्स रिकॉल करके एक बार ये कोशिश जरूर रखा करो बेटे, जब पेपर हो जाता है, टाइम है, बिल्कुल रिवाइज करिए। और टाइम बल्कि रखिए अपने पास, इतनी स्पीड मेंटेन रखिए, क्योंकि छोटी छोटी प्लस माइनस साइन की, कुछ वैल्यू की, कुछ रीडिंग की, कई बार पेपर से ही हम जल्दी में क्वेश्चन पेपर से जब आंसर शीट में लिखते हैं, कोई ना कोई एक डिजिट वगैरह हमसे चेंज हो जाती है, तो वो केयरफुल रहिए, ठीक है, उसके लिए उतना टाइम रखिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर, आई होप ये मिस्टेक नहीं होगी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पैरामेट्रिक फॉर्म जब है, जब करना है, तो बहुत केयरफुली करना बेटा, चेन रूल यूज करके, ये यूज करके, ओके। जो भी मिस्टेक जनरली होती है वो आप नहीं करेंगे, आई होप सो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 10x-4x, एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है हमने बेटा, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन है, राइट? क्या मेथड से स्टार्ट करते हैं हम? हमारा क्या मेथड रहता है? हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 10x-4x, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, राइट? फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। 10x का डेरिवेटिव sec2x, -4x का डेरिवेटिव -4, दैट मीन्स दिस इज जीरो, दैट मीन्स sec2x इज 4, दैट मीन्स कॉस स्क्वेयर एक्स इज 1/4, राइट? रेसिप्रोकल है ना ये, दैट मीन्स कॉस एक्स इज 1/2। हमें 0 और π/2 के बीच में चाहिए बेटा, बिल्कुल, नहीं तो नेगेटिव भी हम कंसिडर करते। अभी हम 1/2 लेंगे, और ये क्या हो गया, एक्स क्या हो गया बेटा? π/3, x π/3, दैट मीन्स जो आपने इंटरवल्स कंसीडर करने हैं, क्योंकि 0 से π/2 में ही चाहिए इंटरवल्स टू कंसीडर आर, इंटरवल्स टू कंसीडर आर 0 to π/3, देन π/3 to π/2, राइट? ये दो इंटरवल कंसीडर करने हैं, और क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है बेटा, ये ओपन इंटरवल रहेंगे, ठीक है, ओपन इंटरवल रहेंगे। अब हम 1/1 इंटरवल पे बात करें बेटा, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π/3, π/3 क्या चेक करना हमने? एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स में है सेक एक्स इन्वॉल्व। हमने क्या देखा? सेक पाई बाय थ्री तो टू होता है, टू होता है। और आप या तो टेबल से अपने माइंड से रिकॉल करिए, या फिर थोड़ा सा ग्राफ रिकॉल कर लीजिए बेटे। 0 पे 1 होगा, 0 पे 1, और राइट में इंक्रीज होता है। 0 से π/2 यहीं पर है, 5 π/2 ही इज अप्रोक्स 1 point something, ठीक है। π/3 यहां पर होगा कहीं इसके, ठीक है। π/3 पर अप्रोक्स इसकी वैल्यू 2 जा रही है, ठीक है, 2 जा रही है π/3 पर। तो π/2, 3 के लेफ्ट में 2 से लेस है,
ये टू है हमारी पाई बाय थ्री पर, टू है तो इसके इसमें लेस है, पाई बाय थ्री के लेफ्ट में सेक एक्स लेस देन टू है, सेक एक्स लेस देन टू है दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स लेस देन फोर होगा, राइट, दैट मीन्स एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना एफ डैश एक्स, ये है बेटा हमारा sec square x माइनस फोर, ठीक है, जब sec square x लेस देन फोर है तो लेस देन फोर नंबर माइनस फोर तो नेगेटिव हो जाएगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है जीरो से पाई बाय थ्री में, ये आ गया हमारा, ओके, नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल देख लें, फोर एक्स बिलोंगिंग टू पाई बाय थ्री टू पाई बाय टू, पाई बाय थ्री टू पाई बाय टू दैट मीन्स यहां ग्राफ में हम यहां पर आ गए इन वैल्यूज में, ठीक है, ये वैल्यूज इसमें क्या है, टू से ग्रेटर sec x इज ग्रेटर देन टू, sec x ग्रेटर देन टू हो गया दैट मीन्स sec स्क्वायर x इज ग्रेटर देन फोर, दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो sec स्क्वायर x माइनस फोर है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया, दैट मीन्स एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, क्लियर, आप बिल्कुल इसे स्टार्टिंग से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो भी लेके कर सकते हो, बट मेरी ऑब्जर्वेशन है वहां पर बेटा जब स्क्वेयर्स में ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन टू इक्वल टू आते हैं वहां आप कैलकुलेशन अधूरी करते हो, आपको ये मैंने कोर्स कराते हुए भी क्लियर किया था पॉइंट, मैं चाहती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इस मैथड से करो, ठीक है, बाकी स्टिल आपकी लर्निंग है, उसे करना चाहोगे तो सैंपल पेपर में आंसर है ही, अदरवाइज एफ डैश एक्स यहाँ ग्रेटर देन जीरो रखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, दैट मीन्स दिस ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स दिस ग्रेटर देन, ये जो स्क्वायर आता है ना बेटा इसको सिंगल में कन्वर्जन में गलती करते हैं, इसको कन्वर्जन, अच्छा मैं आपको रिकॉल कराऊं मोस्टली क्या गलती करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, यहां से जब आप इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं तो ये वैल्यूज आती हैं, ये ठीक है, जो आपसे 11 से हम डिस्कस करते भी आ रहे हैं, नो डाउट लीनियर इनइक्वालिटीज में यूज है बट स्टिल मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं तो सजेस्ट करती हूँ जहां आप ऐसी कैलकुलेशन स्किप कर सकते हैं कर दीजिए, अदरवाइज फिर स्ट्रिक्टली करेक्ट फॉलो करिए, और ये मैंने आपको कोर्स कराते हुए डिस्कस की भी थी वैल्यूज, ओके, आई होप अभी ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एओडी में आपका एक्सपेक्टेड होता है क्वेश्चन आना, बिल्कुल हर बार ही एक्सपेक्टेड होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बस प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग ज्यादा, वो बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस और भी हैं आपके बुक में, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यस इंटीग्रल का क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और ऐसा क्वेश्चन भी बुक में है बेटा, आपको ध्यान हो तो जब ये इंटीग्रल कर रहे हैं हम, आपको दिख रहा है दो फैक्टर है डेनोमिनेटर में, ये तो आपको कई बार इंटीग्रल में जज करना मुश्किल हो जाता है कि करें क्या, बट अभी क्लियर कट है दो फैक्टर दिख रहे हैं आपको, पार्शियल फ्रैक्शन ही करोगे, ठीक है, बट पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए भी हम क्या करते हैं बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के हमें क्लियर कट दिख रहे हैं, फर्दर फैक्टर नहीं है, और न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको वाई पुट कर सकते हैं, वाई टी जेड कोई भी वेरिएबल हम पुट कर सकते हैं इसे, ताकि हमारे पार्शियल फ्रैक्शन करने हमें सिंपल लगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं बेटा, हम डू रिमेम्बर हम चेंज नहीं कर रहे, पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सिंपल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन को लेट अस एज्यूम वाई, जब इसको आपने एज्यूम कर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटे, वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस टू, ये आ गया ना एक्सप्रेशन,
अब यहां पर भी यस शॉर्टकट बताती रहती हूँ जो पार्शियल फ्रैक्शन के बेटा वो यहाँ पर फटाफट यूज करके कई बच्चे 1/y + 1 - 1/y + 2 लिख देंगे। आपको मैंने इसकी स्पेशल वीडियो भी बनाई थी ताकि जो बच्चे नहीं फॉलो करे कर ले, बट यहाँ वो यूज नहीं होगा बेटे। डू रिमेम्बर यहाँ न्यूमरेटर में पाई है, वेरिएबल है, वहां न्यूमरेटर में वन होता है। वो जो शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई है वो सिखाई है जब न्यूमरेटर में वन होता है, ठीक है? तो यहाँ वो यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे प्रॉपर एज्यूम करके। y/(y+1)(y+2) इज नथिंग बट a/(y+1) क्योंकि ये लीनियर हो गया बेटे, बस इसीलिए ही हम अज्यूम करते हैं। क्योंकि अगर ये आप रखेंगे इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो फिर ये आप लीनियर एक्सप्रेशन लेंगे, कैलकुलेशन बढ़ती है उसमें। यहां हमें दिख रहा है ये फर्दर फैक्टर नहीं हो सकते, तो हम बिल्कुल इसको एज सच लीनियर एक्सप्रेशन दे के कॉन्स्टेंट ऊपर एज्यूम कर सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल आए। +b/(y+2) राइट। आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और न्यूमरेटर्स को इक्वल रखते हैं, ठीक है? न्यूमरेटर्स को इक्वल रखते हैं और यहां पर भी आप क्या करते हैं बेटा, यहां पर भी क्या करते हैं, लाइक टर्म्स कंपेयर करते हैं। बिल्कुल लाइक टर्म्स हम कंपेयर करते हैं, लेकिन बिल्कुल यहां पर भी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी वैल्यूज निकालने के लिए ए बी की। लाइक टर्म्स कंपेयर करेंगे बेटा, वाई का कोफिशियंट लेफ्ट में वन, राइट में एक कोफिशियंट ए प्लस सेकेंड कोफिशियंट बी। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में कोई नहीं है, दैट मीन्स जीरो। राइट में हो गई बेटे 2a + b, ठीक है? इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए भी आपको बोला था। अदरवाइज तो नो डाउट आप एलिमिनेशन वगैरह यूज कर सकते हो, बिल्कुल करिए। अदरवाइज शॉर्टकट बताया हुआ था बेटे, एक बार -2 पुट कर दीजिए, एक बार -1। -2 पुट करेंगे तो ये जीरो आएगा, मतलब -2 पुट करेंगे तो उसके ऊपर वाला कॉन्स्टेंट कैलकुलेट होगा। -1 पुट करेंगे तो उसके ऊपर वाला कॉन्स्टेंट कैलकुलेट होगा। तो बस मेंटली वो करके भी आंसर दे सकते हैं आप। वाई देखिए, जब -2 रखा तो ये जीरो, -2 = -b, दैट मीन्स b will be 2, और जब -1 रखा तो ये जीरो हो जाएगा बेटे, ये वन हो जाएगा, ये -1, दैट मीन्स a will be -1, ठीक है? कई बार तीन चार इक्वेशन होती है तो थोड़ा हम कैलकुलेशन से बच जाते हैं इसमें। बिल्कुल आप इस मेथड से कर सकते हो, वो दिखाइए मत, पूरा सॉल्व कर लीजिए मेंटली और फटाफट आंसर दे दीजिए। क्योंकि ए और बी की वैल्यू, ये एक्सप्रेशन करेक्ट आना जरूरी है, आपका यह कैलकुलेशन दिखाना जरूरी नहीं है। दैट मीन्स y/(y+1)(y+2) क्या हो गया बेटे, -1/(y+1)(+2)/(y+2), राइट? दैट मीन्स अब हम इंटीग्रल में वापस आ जाएं अपने, x²+1/(x²+2)(x²+3), दिस इंटीग्रल इज यस -1/(x²+2), राइट? अब हम इंटीग्रेशन से पहले x वापस कर रहे हैं बेटा, ठीक है? ये हो गया पहला, प्लस integral of 2/(x²+3), राइट? दिस इज व्हाट -1/(x²+2) है बेटा, 1/a, a क्या है, √2। चलिए मैं एक बार लिख ही देती हूँ पूरा, x²+√2² + 2 constant, 1/(x²+√3² ये क्या हो गया, -1/√2, 1/a, 10 inverse √2। आपको याद दिला दूं बेटा, 1/(x²+a² का इंटीग्रल क्या होता है, 1/a, 10 inverse x/a, ठीक है? दिस इज tan inverse x/√2।
प्लस टू इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने नहीं बोलना, ठीक है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज देयर, ओके? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटे सैंपल पेपर में, बिल्कुल जो हम कई बार फील करते हैं आप कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा घबरा जाते हैं। देखिए क्लियर, यहाँ पर हमने जो पॉइंट यूज किया हमने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, क्योंकि हमें दिख रहा था फर्दर इनके फैक्टर नहीं हो सकते, इसको किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर लिया और पार्शियल फ्रैक्शन जैसे ही हो गए इसलिए हम वापस एक्स में ले आए, ओके? जिसको हमने फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए बेटे, फॉर्मूले टिप्स पे नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, ओके? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। यस, कैसा कर्व है बेटा ये? सर्कल, सर्कल विद सेंटर 0 0, रेडियस 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म सभी कर्व्स की इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है। वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, लाइन है बेटा, लाइन है, एंड एक्स एक्सिस। आई थिंक इस क्वेश्चन से एक क्लैरिटी और हो जाती है बेटे, जो एओडी सॉरी एओआई में हमें सबको थोड़ा सा था कि सिंगल कर्व लाइन वाला होगा या नहीं होगा। आपके देखो 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन था उसमें भी लाइन थी, अभी भी लाइन है, तो लाइन तो आपकी किसी कर्व के साथ आ सकती है, दो डिफरेंट कर्व नहीं आने, ठीक है? दो डिफरेंट कर्व नहीं आने। चलिए देखते हैं बेटा इसको, ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया बेटे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है इस टाइप की। क्या कहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व मतलब सर्कल, एंड वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स मतलब दिस लाइन, एंड एक्स एक्सिस दिस एक्स एक्सिस, दैट मीन्स हमसे जो एरिया पूछा है दैट इज दिस एरिया। एरिया हमेशा शेड करिए बेटा, एरिया हमेशा शेड करिए जो कैलकुलेट करना है आपको। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, और ये सर्कल है 2 रेडियस का, तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 2 0, राइट? दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0 0। आपका यहां से यहां तक के लिए तो लिमिट पता चल रही है बेटा, बट कर्व इस पॉइंट पर, यहां पर आपके दो डिफरेंट कर्व है, ये लाइन है ये सर्कल है। यहां पर आप लाइन के अंडर एरिया कैलकुलेट करेंगे, यहां पर सर्कल के अंडर करेंगे, तो ये पॉइंट तो चाहिए ना, ये पॉइंट चाहिए, और ये क्या होगा बेटे? दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट के भी बिल्कुल मार्क्स बनते हैं यहां पर, जब आपको निकालना होता है फिगर से निकल जाए वेल एंड गुड, नहीं निकलता तो बिल्कुल कैलकुलेशन करिए। क्या करेंगे? y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स को हम रख देते हैं बेटे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 में, तो ये बन जाएगा 3x² इज इक्वल टू 4, राइट? ये बन गया 4x² इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू +-1, बट अभी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा? एक्स 1, ठीक है? एक्स 1 आ गया और हमें यही चाहिए बेटा, एक्स ही चाहिए, हम एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लिखने वाले हैं, तो नो नीड टू गो फर्दर, बट स्टिल एग्जैक्ट टाइम हो कर सकते हो तो पॉइंट निकाल दीजिए, और एक्स 1 है तो वाई आपको दिख रहा है रूट 3 है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट इज रूट 3 1, सॉरी 1 रूट 3, ठीक है? एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज एक्चुअली सम ऑफ टू एरियाज, सम ऑफ टू एरियाज, एरिया अंडर दिस लाइन एंड एरिया अंडर दिस सर्कल। लिमिट भी बिल्कुल केयरफुली पुट करनी है बेटा। अंडर दिस लाइन आपका क्या है? 0 to 1, एक्स यहां पर 1 है, लाइन से आपने वाई लेना है, दैट मीन्स √3x dx, ठीक है? प्लस 1 to 2, ये वैल्यू आपकी 1,
और ये वैल्यू आपकी 2 आप गया, एक बार इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, बेशक यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 1 0 पॉइंट है ये वाला, ठीक है। 1 to 2 किसके, सर्कल के अंडर, और सर्कल के अंडर से वाई लेना है बेटा रूट ऑफ 4 माइनस x2। ओके, रूट ऑफ 4 माइनस x2 आपको याद दिलाऊं, एरिया ऑफ, सॉरी इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज व्हाट, x/2 रूट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये, एरिया में बहुत बार यूज होता है। x/2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। बट डेफिनेट इंटीग्रल है तो सी यहाँ पर नहीं लगने वाला, बट इनडेफिनेट इंटीग्रल ये होता है, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेट कर ले। फर्स्ट हमारा सिंपल है, रूट 3 इज कॉन्स्टेंट, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर बाय 2 और लिमिट है इसकी 0 to 1। सेकेंड हमारा x/2, a इज 2 बेटा स्क्वेयर रूट ऑफ 4 माइनस x2, ठीक है, प्लस ए स्क्वेयर दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x/2 a इज 2, ठीक है, इसकी लिमिट फ्रॉम 1 to 2। ओके, आप कैलकुलेट कर दीजिए बेटा इसे, रूट 3/2 एक्स स्क्वेयर में पुट किया 1 और 0, 1 माइनस 0 प्लस x/2, यहां पर पहले आपने 2 पुट किया बेटा तो 0 माइनस 1 पुट किया तो 1/2 रूट 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3 प्लस 2, एक बार हमने पुट किया 2 साइन इनवर्स 2/2 दैट मीन्स 1 माइनस, दूसरी बार हमने पुट किया साइन इनवर्स 1 पुट किया। आई होप बेटा समझ आया आपको क्या हुआ है। पहले इसमें रखी है लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट पर वैल्यू माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये स्टेप्स आपको मैंने कैलकुलेशन में ही डिस्कस किए थे बेटा, मुझे ये कन्वीनियंट लगता है, लाइक टर्म्स में आप पुट करिए साथ के साथ। स्टिल आपकी अब तक आपकी अपनी खुद की प्रैक्टिस हो गई होगी, जैसे भी करते हैं आप, कैलकुलेशन इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट, आपको जो कन्वीनियंट लगती है, जो इजी कैच कर पाते हैं आप, वैसे ही करनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा इसमें रखा, ये हो गया 2 हमारा बेटा, 2 कॉमन ले लिया, साइन इनवर्स इसमें 2 रखा, साइन इनवर्स 1 इसमें 1 रखा, साइन इनवर्स 1/2। ओके, वैल्यूज रख दीजिए, फर्स्ट इज रूट 3/2 इटसेल्फ, ये आपकी सेकंड 0 हो गई, और उससे नेक्स्ट हो गई बेटा 4 माइनस 1 दैट इज रूट 3 माइनस रूट 3/2, चलिए ये तो यही कैंसिल हो गया बेटे, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 इज 5/2, ठीक है, 5/2 पे 1 होती है, और हाफ कब होती है बेटा, यस हाफ कब होती है, 5/6 पर, 5/6 पर, 5/2 माइनस 5/6 इज नथिंग बट 2π/6 दैट मीन्स 5/3, 5/3, तो दिस इज नथिंग बट 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये एरिया आपसे जो पूछा है वो आपका कैलकुलेट हो गया, 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आई होप बेटा रिकॉल हुआ है बेटा आपको, ये पॉइंट एग्जैक्ट निकलना बहुत जरूरी है बेटा, ये पॉइंट गलत हुआ तो सब आगे गड़बड़, और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एरिया ऑफ इंटीग्रल्स के लिए, ठीक है। चलिए, यस एरिया का ही ऑप्शन में क्वेश्चन है बेटा, ये जो पीछे क्वेश्चन था उसका ऑप्शन में, एरिया ऑफ द एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, x2 प्लस 9y2 इज इक्वल टू 36। ये एलिप्स की इक्वेशन आपकी, ये x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज एलिप्स, आपसे इस एलिप्स का एरिया पूछा है, यस ये पूरा एरिया आपसे पूछा है बेटा, ओके। और आई थिंक आपको देखते ही याद आ गया क्या करने वाले हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल दें और उसका 4 टाइम्स कर दें, ये एरिया हम निकाल देंगे और उसका 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। बट एरिया के लिए हमें वाई चाहिए, हमें ये वैल्यूज चाहिए जो फटाफट आपकी निकल जाती है बेटा। आप जब फिगर बनाते हैं, फिगर निकालने से पहले ही ए बी आप रीड कर लेते हैं, बनाने से पहले, दिस इज x2/36 प्लस 9y2/36 इज इक्वल टू 1, राइट में 1 चाहिए, एंड दिस इज व्हाट
एक्स स्क्वायर बाय सिक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय फोर, फोर इज टू स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट सिक्स जीरो एंड दिस इज नथिंग बट जीरो टू, राइट। x के नीचे डेनोमिनेटर 6 है, ये 6 लेंथ हो गई 60, और ये y के नीचे लेंथ आपकी 2 स्क्वायर है वेरिएबल, तो ये आपकी हो गई 2 लेंथ 02 कोऑर्डिनेट में। तो ये एरिया निकालना है बेटे हमने, और 4 टाइम्स करना है। अब एरिया जब निकालेंगे, एरिया जब निकालेंगे बेटा आप तब भी ध्यान रखेंगे जब आपने वैल्यू रखनी है तो वो आपकी वैल्यू 0 टू 6 एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं बेटा, पहली बात तो ये जो आपने वाई वैल्यू रखनी है, अब दोबारा इसकी कैलकुलेशन यहां से मत करिए, यहीं से सिंपल हो चुका है बेटे, उसे ही कैच करिए। यहां से दोबारा करेंगे तो फिर आपका टाइम उतना ही लग जाएगा, ठीक है। यहां से वाई जब रखेंगे बेटा, आप देख रहे हैं y स्क्वायर हो जाएगा बेटे 36 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9 आप इसको रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस x स्क्वायर बाय 9 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंपल कर दीजिए, जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, जो हो सकता है प्लस माइनस वाला कांस्टेंट नहीं हो सकता, यू ऑलरेडी नो। 4 इंटू ये आपका हो गया बेटे रूट 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में हो गया 3। आई थिंक आपको एकदम समझ आ गया क्या करेंगे। अभी फॉर्मूला यूज किया बेटा, वही फॉर्मूला यूज करना है, ये स्क्वायर रूट 9 से 3 बाहर आ गया, 4 बाय 3 हो गया, और दिस रिमेनिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटे, दिस इज 4 बाय 3 इंटू इसका एरिया कैलकुलेट किया बेटे हमने, एक्स स्क्वायर रूट सिक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर विच इज सिक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 36 बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज 6 हियर, ठीक है। लिमिट ऑफ दिस फ्रॉम 0 टू 6, लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट इज 6, ओके। बस पुट करिए बेटा, पुट करिए 1 बाय 1। अगर मैं फर्स्ट में रखती हूँ 6 तो ये 0 हो गया बेटे इसकी वजह से, ठीक है 0 हो गया। माइनस इसमें 0 रखती हूँ तो भी 0 होना है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बेटे, मेंटल कैलकुलेशन करिए। ये 6 रखने पे ये फैक्टर 0 हुआ तो पूरा 0 हो गया, 0 रखने पे ये फैक्टर 0 हुआ तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या रह गया बेटे, रिमेनिंग क्या रह गया 36 बाय 2 मतलब 18, साइन इनवर्स 6 बाय 6 मतलब 1, माइनस 18 कॉमन रहेगा, साइन इनवर्स 0 बाय 6 दैट मीन्स 0, 0, ठीक है। दिस इज 4 बाय 3 इंटू 18, साइन इनवर्स 1 इज बेटा पाई बाय 2 और साइन इनवर्स 0 इज 0, ओके। ये जितना आपसे कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 4 इंटू 6 इंटू पाई बाय 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा बेटे, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ओके सिंपल। बट यही कैलकुलेशन हम कई बार लेंथी कर देते हैं बेटा, हमें जब डेनोमिनेटर में दिया होता है तो सिंप्लीफिकेशन हमें करनी होती है बिल्कुल। अभी तो आपका ये सिंप्लीफाइड ही दे रखा है, एक्स स्क्वायर इधर लाए और 9 से डिवाइड किया स्क्वायर रूट सिंपल, ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप बेटा आप प्रैक्टिस कर चुके हो पहले ही और इससे चेक कर रहे हो, क्योंकि सैंपल पेपर तो करने के लिए आपको कब से कह रही हूँ, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बेटा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी समझना कि किस मेथड से करना है, कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो फिर से बता रही हूं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले आप ओवरव्यू दो, क्या सेपरेबल है, क्या सेपरेबल है, ये एक्स डी वाई माइनस वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो, क्या मैं अगर इसको ले जाऊं यहां सिर्फ डी एक्स की टर्म रहेगी, नहीं ना,
वाई प्लस है, वाई प्लस है, मल्टीप्लाई होता तो मैं इधर उधर ले जाती, वाई प्लस को नहीं कर सकती, तो क्लियर कट ये सेपरेबल नहीं है, ठीक है, सेपरेबल नहीं है। उसके बाद हम होमोजीनियस सोचते हैं, और होमोजीनियस सब सोचते हैं तो हम देखते हैं वेरिएबल्स की डिग्री सेम हो, सेम हो। अभी मैं डीवाई बाई डी एक्स को भूल जाऊं बेटा, एक्स स्क्वायर डिग्री टू, वाई डिग्री वन, एक्स डिग्री वन, नो ये नहीं चलेगा बेटे। होमोजीनियस होने के लिए तो डिग्री सेम होनी चाहिए, ये अगर टू है तो ये दोनों भी टू होनी चाहिए, अगर ये वन है तो या ये वन होनी चाहिए। होमोजीनियस भी नहीं है तो लास्ट ही रह गई बेटे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, और उसके लिए दिख रहा है आपको वाई सिंगल टर्म दे रखी है, वाई सिंगल टर्म दे रखी है, ठीक है, और एक्सप्रेशन नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म का। क्या एक्सप्रेशन होता है उसका, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, राइट, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वो एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम वो एक्सप्रेशन लाए, वो एक्सप्रेशन लाए, डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए, तो वही सबसे पहला हिंट दे देता है क्या करें हम, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स डी वाई माइनस वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स इज जीरो, जीरो। अब यहां पर आप जब करना चाहेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो पहले आप इसको ले जाइए राइट में, ठीक है, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, अब डी एक्स को ले आइए आप लेफ्ट में, यस, एक्स भी सेम स्टेप में राइट में ला सकते हैं बेटा, सेम स्टेप में ले आइए, स्टेप मत पढ़ाइए, जितना काम कर सकते हैं करिए, लेकिन जहां मस्ट है वहां बिल्कुल सभी स्टेप लिखने हैं, वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट हमें बनी चाहिए था, बना दिया हमने, दिस इज वन अपॉन एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दैट मीन्स टू एक्स, ठीक है, हमें y की टर्म चाहिए बेटा लेफ्ट में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई जो यहां होने वाला है माइनस वन बाई एक्स वाई, ठीक है, प्लस प्लस नहीं सॉरी इक्वल ही लिखना है, इक्वल टू q, इक्वल टू q, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू q, ये हो गया 2x। इसको कंपेयर करें, कंपेयर करेंगे विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वी हैव, हमें क्या मिलेगा बेटे, p इज नथिंग बट माइनस वन बाई एक्स एंड q इज नथिंग बट टू एक्स, राइट। तो यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने बेटा, आई होप मेथड क्लियर है बेटा आपको, पहले हम एक्सप्रेशन देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम शॉर्ट में आई एफ लिख देते हैं, दैट इज नथिंग बट ई पावर इंटीग्रल पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पी क्या है यहां पर बेटा, पी क्या है माइनस वन बाय एक्स, ठीक है, ई माइनस तो हमने बाहर ले लिया, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स, लॉग मॉड एक्स इनफैक्ट, ठीक है, और कॉन्स्टेंट नहीं लेते यहां, बी केयरफुल, ये माइनस है बेटा, माइनस है, ये एडजस्ट होगा लॉग एक्स पावर माइनस वन में, ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा हो गया वन बाय एक्स। आई होप आपको याद है ई लॉग ए इज ए इटसेल्फ, ठीक है, ये हमने यूज कर लिया, दिस इज एक्स पावर माइनस वन, दैट मीन्स वन अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वन अपॉन एक्स, therefore solution, solution भी आपको याद होता है डायरेक्ट बेटा, वही यूज करते हैं, उस टाइम आप लिखते नहीं है सारा एक्सप्रेशन, y into integrating factor, right? is equal to integral q into integrating factor with respect to x plus c, okay? this is what integrating factor आया हमारा वन by x, this is q, q is 2x, integrating factor is 1 upon x plus c, ठीक है, अब c हम पहले ही लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहां इंटीग्रल निकालते हुए हमें c नहीं लेना, ठीक है, बी केयरफुल, अब इसको फाइनल कैलकुलेट कर दें बेटा,
लेफ्ट साइड हो गई हमारी वाई अपॉन एक्स, राइट साइड हो गई हमारी टू एक्स इंटू वन बाय एक्स, दैट मीन्स टू, दैट मीन्स वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करना हमने, एंड दैट विल बी एक्स इट्स वन का इंटीग्रल एक्स, ये एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए बिल्कुल राइट साइड में टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन जो हमसे पूछा था. हमसे नॉर्मल सॉल्यूशन ही पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं पूछा. वी विल लेफ्ट हियर. ओके, आई होप आपको रिकॉल हुआ है बेटे. सभी सैंपल पेपर डिस्कस करने का पर्पस ही यही होता है बेटा, डिफरेंट आपके कंसेप्ट्स रिकॉल हो जाएं, और जहां जहां थोड़ा थोड़ा लूप होल छोड़ते हैं, जहां जहां मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं, वो चीजें भी आपको हम बता दें साथ साथ. ठीक है, बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के भी डिस्कस करूंगी मैं पेपर, इसको गौर से देखते जाइए. और स्टिल कुछ कमी रह जाती है, यू आर देयर ऑन व्हाट्सएप, यू कैन आस्क मी. ओके, so that's all for the day beta, but don't forget only determination can take us to our goal. अगर आप अभी भी determination नहीं लेंगे, अपनी practice consistent नहीं करेंगे, तो beta result कुछ और होगा, रिजल्ट कुछ और होगा. हमेशा याद रखो बेटे, कंफर्ट जोन में रहकर कभी कुछ अचीव नहीं होता. कुछ भी अचीव करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है. हमें आराम तो बहुत पसंद है, लेकिन आराम में रहकर हम अचीव नहीं कर सकते. ओके, तो प्लीज कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, बी डिटरमिन्ड, डू योर प्रैक्टिस एंड achieve your goals of good result in CBSE examination. Okay? ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर next class में.